गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप माय वीडियो ऑडियो बोथ आर क्लियर, कोई इशू नहीं है। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, यू ऑल हैव टू मैसेज ऑन द होस्ट, होस्ट स्क्रीन में मैसेज करना जिसमें वीडियो ऑन है। इफ नो इश्यूज वी आर रेडी टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। ओके, ठीक है। तो लास्ट पार्ट जो चैप्टर में हमने किया था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में जो एक दिन पहले किया था हमने, उसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट टिल दैट पार्ट जहां पर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो सब सारे चीजें सीखे थे। ओके, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से जिनका वैलेंसी 1 था, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट था जिसका वैलेंसी 2 था, ठीक है। ये दोनों के बीच में कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बनते हैं वेरियस कंपाउंड्स के, वो सारे स्टेप्स एंड मेथड्स हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज हम शुरू करने वाले हैं विद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, सिंपली वही समझने वाले हैं इस चैप्टर में हम पूरी तरह से। ओके, मतलब केमिकल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में करेंगे इन द नेक्स्ट 2 or 3 लेक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू डू ऑन दिस चैप्टर। Okay, so today, like I said, we are going to start with types of chemical reaction. For that, I'll share my PPT first. Okay, is it visible? PPT visible hai sabko? Okay, great. Let's start with types of chemical reaction. Chemical reactions ke kaun se kaun se types hote hain? We saw in a chemical reaction, reactants get converted into the new substances called products. Abhi last time maine aapko sikhaya tha. केमिकल रिएक्शन के कौन से साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं बताओ मुझे चैट सेक्शन में। रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन विच साइड, ऑन दी केमिकल रिएक्शंस के कौन से साइड में? यस, बराबर, लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग मी द राइट आंसर। मिसबा, पूजा, तनिषा, रंजीत, अमन, कबीर, बराबर, ठीक है। On the left hand side you can find the reactants. Okay, after that एक arrow आता है जो arrow indicate करता है कि कौन से तरफ reaction बढ़ रहा है, ठीक है। So after that arrow on the right hand side you can see the products, ठीक है। तो reactants और products ये दोनों को रख के हम समझने वाले हैं कि कौन से type of chemical reactions होते हैं। Clear? Let's move forward. During this some chemical bonds in the reactants break and some new bonds are formed. So as to transform the reactants into products. अब जब भी chemical reaction होता है, मैंने last time समझाया था आपको, कुछ bonds नए bonds बनते हैं, कुछ bonds टूटते हैं जो already है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे next. Chemical reactions are classified into 4 main types in accordance with nature and the number of reactants and the products. Okay. अब तक जो भी क्या है उसको ध्यान में रखो, दिमाग में रखो, उसको रख के हम ये चारों types समझने वाले। We have 4 types of chemical reactions with us. Okay, combination, decomposition, displacement, and double displacement. Very important part of this chapter. Okay, इस chapter का core है ये part. Okay, कौन से types of chemical reactions हैं हमारे पास? 4 main types हैं: combination, decomposition, displacement, and double displacement reaction. Clear everyone? Okay, ये 4 type हैं हमारे पास, याद रखना. These are the 4 types. अभी हम क्या करेंगे, हर एक टाइप को विथ एग्जाम्पल इन डेप्थ में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑन योर स्क्रीन विथ एग्जाम्पल्स। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ओके,
वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी सिंपल टाइप ऑफ रिएक्शन टू अंडरस्टैंड. अभी कैसे सिंपल, ये जो वर्ड आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ओके, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज कॉम्बिनेशन मीन? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू थिंग्स कंबाइन विद ईच अदर और एक पर्टिकुलर चीज बनता है, ओके, टू कंबाइन, राइट, ओके, जब दो चीज एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एंड एक चीज बनता है वो, ठीक है. सो हियर कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ओके. अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझा तो यहां पर एग्जांपल देखो, ओके. देयर इज अ कंपाउंड और एलिमेंट ए विच गेट्स एडेड विद कंपाउंड और एलिमेंट बी एंड आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, ओके. रिएक्टेंट साइड में आपको दो एलिमेंट और कंपाउंड दिखेंगे बट प्रोडक्ट साइड में आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा. क्लियर एवरीवन? ओके, दिस इज व्हाट नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर दो चीजें एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं एंड आपको प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक कंपाउंड या फिर एलिमेंट मिलेगा. समझा? एनी डाउट्स टिल हियर? ओके, हियर यू कैन सी, ये उसका जनरल फॉर्मूला है, ए प्लस बी यू गेट ए बी विच इज अ सिंगल प्रोडक्ट, ओके. अगर अगर ये पार्ट नहीं समझा, ओके, कॉम्बिनेशन क्या है समझ गया, बट अगर आपको मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ दो तीन, उससे आपको और क्लियरली समझ जाएगा कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, पे अटेंशन ऑन योर स्क्रीन, ओके. सो हियर वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ एक्सपेरिमेंट. यहां पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको मैं हीट कर रहा हूँ. व्हाट एम आई डूइंग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हीट कर रहा हूँ, ओके. एंड यहां पर मेरे पास अमोनिया है, ओके. सी केयरफुली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हीट किया मैंने, ओके. यू कैन सी सम काइंड of gas that is coming out, dekh raha aapko, you can see some kind of gas that is getting emitted, right. abhi ye jo gas nikal raha hai uske upar main ammonia solution ko pass karne wala hu, dekho, okay. ammonia solution ko what am I going to do? I'm to place it above the gas that is getting emitted. acha ye jo gas nikal raha hai, okay, ye jo gas nikal raha hai HCl ko heat karne ke baad, okay, jab HCl ko heat kiya jata hai to hydrogen aur chlorine ek dusre se separate ho jate hain, to hydrogen अलग गैस बन के निकल जाता है, क्लोरीन अलग गैस बन के बाहर निकल जाता है, ओके. सो यहां से बाहर जो गैस निकल रहा है वो है क्लोरीन, ओके. तो अमोनिया के साथ जब क्लोरीन मिलता है इट बिकम्स अमोनियम क्लोराइड, ओके. अभी देखो इसको मैं रिएक्शन में लिखता हूँ, ओके. सो मेरे पास अमोनिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड है विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके. ये दोनों जब मिलते हैं आई गेट अमोनियम क्लोराइड. दिख रहा है ये साइड दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, रिएक्टेंट साइड में दो चीजें हैं बट प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है. This is known as combination reaction. समझा? अभी समझा combination reaction क्या होता है? अगर अभी भी combination reaction नहीं समझा, okay? उससे best simple example, C plus O2. क्या मिलता है आपको? CO2. तो carbon, oxygen. यहां पर दो element है आपके पास, okay? But आपको product में क्या मिल रहा है? एक single element. Clear everyone? कि single compound मिल रहा है product में. अंडरस्टूड क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को? ओके, याद रखना रिएक्टेंट साइड में दो चीजें होने चाहिए एंड प्रोडक्ट साइड में एक सिंगल कंपाउंड होना चाहिए या फिर एलिमेंट होना चाहिए. दैट विल बी नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नो डाउट्स, आगे बढ़ू? शुड आई मूव फॉरवर्ड? वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, डोंट वरी. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लो फटाफट. This part, ये part, when two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction. इतना लिख लो. When two or more reactants combine in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction. Write it down quickly. If done, then let me know. हो गया, डन, ओके, चलो. तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल कौन सा लिखना है मैं बताता हूं आपको, ओके. सो दिस वाज वन एग्जाम्पल, लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल, ओके. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम स्ट्रिप, ओके. मैग्नीशियम स्ट्रिप को जब बर्न किया जाता है, व्हेन यू बर्न मैग्नीशियम स्ट्रिप, मैग्नीशियम स्ट्रिप इज नथिंग बट मैग्नीशियम से ही बना होता है वो,
ओके, जब उसको बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ओके आई विल शो इट टू यू ऑन द स्क्रीन, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नीशियम स्ट्रिप है, दिस इज द मैग्नीशियम स्ट्रिप, ये अपना बर्नर है और हम उसको क्या कर रहे हैं, टोंग्स, ये होल्डर होता है, किसी भी चीज को हीट करना रहता है तो उसको पकड़ने के लिए ये टोंग्स यूज किया जाता है, ओके। सो इसको मैग्नीशियम रिबन को मैं बर्न करने वाला हूँ, ओके। सो व्हेन आई बर्न मैग्नीशियम रिबन, ओके, व्हेन आई बर्न मैग्नीशियम रिबन, यू कैन सी सम व्हाइट पार्टिकल्स हियर, ओके। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ओके तो इसको रिएक्शन में मैं कैसे लिखूंगा, मैग्नीशियम, ओके प्लस इट इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। मैग्नीशियम बर्न कहां पर हो रहा है, ये रूम में पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हो रहा है मैग्नीशियम, तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो यहां पर देखो, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू थिंग्स, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव वन थिंग, तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, कौन सा रिएक्शन है ये, on the left hand side we have two things, on the right hand side you have one product, which reaction is this, yes it is going to be a combination reaction, clear everyone, understood, okay। abhi example mein aap log ye likh lo, this is much easier to remember, right, magnesium oxygen bahut simple hai remember karne ke liye, okay, so write this down as an example in your notebook quickly। acha ye jo number aapko dikh raha hai ye 2, ओके okay, ये टू, ये सारे टू कैसे आते हैं, नंबर्स कैसे आते हैं, वो हम आगे देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन करके कुछ होता है, वो हम लोग चैप्टर के एंड में समझेंगे, ओके okay? अभी फिलहाल के लिए जैसा आपको रिएक्शन दिख रहा है वैसा लिख के ले लो फटाफट। Done everyone? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। So ये था combination reaction, उसका मैंने दो example आपको समझा दिया है। Now let us move forward और आगे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। नाउ ये भी सिंपल है, बहुत समझना, ओके, हाउ इज इट सिंपल, आई लेट यू ऑल नो, ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, व्हाट वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, इट वाज ए प्लस बी विल गिव मी ए बी, मतलब रिएक्टेंट साइड में दो चीजें होंगे एंड प्रोडक्ट साइड में एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, राइट ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी डीकम्पोजिशन में एग्जैक्टली ऑपोजिट होने वाला है, ओके, डीकम्पोजिशन में क्या होने वाला है, exactly opposite होने वाला है। The chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant, it is called as decomposition reaction। मतलब अभी reactant side में single product होगा, okay? Sorry, reactant side में single compound होगा, okay? After reaction आपको दो अलग चीजें मिलेंगे। Difference समझ रहा है? It is exactly opposite of combination reaction। Combination में क्या हो रहा था? Left hand side में दो चीजें थे एंड राइट हैंड साइड में एक सिंगल प्रोडक्ट था। यहाँ पर एक्जैक्टली ऑपोजिट, रिएक्टेंट साइड में एक सिंगल कंपाउंड या फिर एलिमेंट होगा एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल हैव टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड डिफरेंस, समझा, किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को समझा नहीं ऐसा कुछ, अगर नहीं समझा तो वेट बैक, ओके, वी विल अंडरस्टैंड एग्जाम्पल एज वेल, उसके बाद और बेटर समझ जाएगा। जस्ट मिनट, आई जस्ट चेक रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ चालू, ओके चलो आगे बढ़ते। सो लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स रिगार्डिंग डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑन योर स्क्रीन, ओके। अभी जब भी ओके डीकंपोजिशन होता है, ओके, व्हेनेवर डीकंपोजिशन हैपेंस, इट हैपेंस बिकॉज़ ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट एनर्जी, ओके, ये तीन चीजों की वजह से ही डीकंपोजिशन रिएक्शन हो सकता है। हीट के वजह से हो सकता है, जहां पर आप आग लगा दो उस एलिमेंट को या फिर कंपाउंड को, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो उस कंपाउंड के थ्रू, या फिर लाइट एनर्जी पास कर दो उस कंपाउंड के थ्रू, तभी डीकंपोजिशन रिएक्शन हो पाएगा, ओके, अंडर दीज थ्री कंडीशंस।
क्लियर एवरीवन? नॉर्मल कंडीशन में डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन ही कर रहे हैं हम. ओके तो यहां पर सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम डीकंपोजिशन का. यहां पर हम क्या करने वाले, शुगर को हीट करने वाले, वी आर गोइंग टू हीट शुगर. ओके तो ये मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड है. ओके शुगर है मेरे पास, इवेपरेटिंग डिश है. इवेपरेटिंग डिश मतलब ये ऐसा डिश होता है जो नॉर्मली हीट करने के लिए यूज किया जाता है. ओके सो यहाँ पर मैंने अंदर शुगर डाल दिया. ओके आई पुट शुगर इनसाइड एंड मैं बर्नर को चालू करता हूँ. ओके एज द शुगर गेट्स हीटेड, जैसे शुगर हीट होने लगता है, आपको शुगर हीट होने के बाद पीछे एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड दिखेगा. कैन यू सी अ ब्लैक रेसिड्यू बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड ऑन द स्क्रीन? दिख रहा आपको एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस? ओके ओके ठीक है. अभी ये क्या है, व्हाट इज दिस? ओके लेट्स अंडरस्टैंड. शुगर जो होता है इट इज C12, ओके C12 H22O11, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है शुगर का. जब शुगर को हीट किया जाता है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, दिस ट्रायंगल इज यूज्ड टू शो हीटिंग. ओके जब भी किसी चीज को हीट करते हो तो केमिकल रिएक्शन में आपको दिखाना पड़ता है कि उस चीज को हम हीट कर रहे हैं. इट इज इंडिकेटेड यूजिंग दिस ट्रायंगल. ओके मतलब शुगर को मैं हीट कर रहा हूं, आफ्टर हीटिंग व्हाट आई गेट इज कार्बन प्लस H2O, water is left behind. Okay? तो ये जो ब्लैक कलर का रेसिड्यू दिख रहा है वो शुगर को हीट करने के बाद क्या पीछे रह गया है, कार्बन रह गया. तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, ये शुगर ये सिंगल कंपाउंड है बराबर, तो यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है, बट प्रोडक्ट साइड में आप देख सकते हो दो अलग चीजें आपको मिले हैं. ओके तो यहाँ पर ए बी है विच इज अ सिंगल कंपाउंड एंड आफ्टर हीटिंग डीकम्पोजिशन होने के बाद यू गेट टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन दी टू डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड इन दी प्रोडक्ट साइड. अंडरस्टूड डीकम्पोजिशन एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एनी डाउट्स इन डीकम्पोजिशन? यस यस तारा यू आर राइट. CaCO3 आफ्टर हीटिंग इट बिकम्स CaO प्लस CO2. दिस कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन. ओके वील अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो फटाफट आप लोग पहले डेफिनेशन लिख लो. Okay, write down the definition. I'll show it to you all on the screen. It is exactly opposite of combination reaction. Yahan par hai definition. Ye first box likh lo. The chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant. Yes, I'll show it again. Okay. Pehle definition likh lo fatafat. I'll explain the example again. No issues. If done, let me know quickly. Done? लिख लिया सब लोग ने? Okay. तो डीकम्पोजिशन मैंने कहा वो तीन चीजों से हो सकता है, एक हीट करने से, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, तीसरा लाइट एनर्जी से. ओके अपना सिलेबस जो है उसमें मोस्टली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही है. ठीक है कभी चीज किसी चीज को हीट करोगे तभी डीकम्पोजिशन होगा, कभी किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तभी डीकम्पोजिशन होगा. ओके लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पर यहाँ पर क्या था, शुगर को मैंने हीट किया तो यहाँ पर हीट के वजह से डीकम्पोजिशन हुआ बराबर. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग. ओके उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पे अटेंशन. ओके कैन यू सी न्यू स्क्रीन ऑन योर मीटिंग? नया स्क्रीन दिख रहा है आपको ब्लू कलर का? लेट मी नो. ओके हाँ ठीक है. अभी मैं आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली करके दिखाता हूँ. आई विल शो यू ऑल हाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैपेंस. ओके सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक बीकर लेता हूँ. ओके इनसाइड दिस बीकर आई एम गोइंग टू पुट कैल्शियम कार्बोनेट. ओके
क्या डालने वाला हो? कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट का आपको लास्ट टाइम बताया मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया था। व्हाट इज कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? सी ए, कैल्शियम कार्बोनेट इज सी ए सी ए सी ओ थ्री, बराबर रंजीत। ओके, सो सी ए सी ओ थ्री में यहां से ढूंढता हूं, सो यर इट इज सी ए सी ओ थ्री, और मैं उसको बीकर में डालता हूं। ओके, आई पुट इट इन द बीकर। ओके, अभी इसको मुझे डिकम्पोज करना है। ओके, मुझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगा? मैंने बताया था डिकम्पोजिशन सिर्फ तीन कंडीशन में हो सकता है। सबसे पहले हीट, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा लाइट पास करो, तभी डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू हीट इट। ओके, आई एम गोइंग टू हीट इट। तो यहां पर देखो, मैंने बीकर में सिर्फ एक ही चीज डाला था, क्या था वो? कैल्शियम कार्बोनेट। बीकर में सिर्फ मैंने एक ही चीज डाला है, वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। सो आई हैव ओनली वन कंपाउंड एज अ रिएक्टेंट। अभी मैं इसको हीट करने वाला हूं, तो आपको प्रोडक्ट में दो नए चीजें मिलेंगे। देखो कैसे, ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो आई एम गोइंग टू हीट इट यूजिंग अ टॉर्च। ओके, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, इट इज इंक्रीजिंग। ओके, इट इंक्रीजेस अप टू 800 डिग्री सेल्सियस। 800 तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नए प्रोडक्ट्स। ओके, ओके, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन? मैंने रिएक्टेंट साइड में सिर्फ एक ही चीज डाला था, बट उसको हीट करने के बाद, जो कि हीट करना मतलब क्या हो गया, उसको मैं डिकम्पोज कर रहा हूं। तो हीट करने के बाद आई गॉट टू न्यू प्रोडक्ट्स, टू न्यू थिंग्स ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। CaCO3 को हीट करने के बाद आई गॉट CaO प्लस CO2। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। समझा सब लोग को? किसी को कोई डाउट है? Anyone, any doubt? Let me know in the chat section if you all understood what is decomposition reaction. Okay? Decomposition मतलब आपको reactant side में, okay? Reactant side में सिर्फ एक ही compound या फिर product, एक ही compound या फिर element होगा, but on the product side आपको दो नए चीजें मिलेंगी. Clear? ओके, वी विल बी यूजिंग दिस अगेन। ओके, थोड़ा टाइम बाद वापस से हम लोग यूज करेंगे, तो तब तक के लिए हम विल गेट बैक टू द पीपीटी। ओके, सो यू कैन राइट डाउन दिस रिएक्शन एज द एग्जांपल फॉर डिकम्पोजिशन। ओके, ओके, सो हियर इट इज, द रिएक्शन इज हियर, CaCO3 when heated it gives us CaO plus CO2. yes, I'll show it again, wait, ye reaction likh lo sab log fatafat. last time kuch logo ne mujhe nahi samjha bola tha decomposition, kya abhi samajh gaya sabko? okay, this is the example, main definition wapas se bata raha hu, you all can write it down as well. याद रखना तीन कंडीशंस में होता है डिकम्पोजिशन, दिस इज द डेफिनेशन। प्लीज डू इट क्विकली और टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू कैन, बाद में लिख लेना। ओके, सो दिस इज डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन एंड आई गेव यू टू एग्जांपल। एक था ये शुगर को हीट करने का एग्जांपल एंड दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल। ओके, तो दोनों में देखो हीट करोगे तभी डिकम्पोजिशन होगा। okay, let's take one more example of electricity. okay, let's take one more example of electricity. okay, electricity mein dekho water. okay, jab water ke through electricity pass kiya jata hai, okay, jab water ke through electricity pass kiya jata hai, water mein se hydrogen alag ho jata hai, oxygen alag ho jata hai. on your screen everyone dikh raha hai? to reactant side mein dekho ek single compound hai, but product side mein aapko do elements dikh rahe hain, hydrogen oxygen, dono alag ho gaya hai. okay, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अगेन डीकम्पोजिशन, बट यहां पर डीकम्पोजिशन किसके वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के वजह से हो रहा है। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके, लाइट जो है वो हमें करना नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव इट इन द सिलेबस। ओके, मोस्टली हमारे पास क्या होगा? विथ हीट एंड विथ इलेक्ट्रिसिटी होगा सिलेबस। अंडरस्टूड? शुड आई मूव फॉरवर्ड?
ओके तो ये एरो जो है उसके ऊपर लिखना होता है कि डीकम्पोजिशन क्या यूज करके आप कर रहे हो, हीट कर रहे हो तो हीट का सिंबल डालो ट्रायंगल, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो तो राइट इट डाउन इलेक्ट्रिसिटी हियर। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक? दो दो समझ गया दोनों एग्जांपल्स आपको, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। ओके तो मैं कुछ एग्जांपल आपको स्क्रीन पे देता हूँ, आई मीन बोर्ड पे देता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे, या फिर हम चारों टाइप्स कर लेते हैं फिर हम एक छोटा सा क्विज जैसा कर ले। ओके विल डू ऑल फोर टाइप्स देन विल डू अ स्मॉल क्विज, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके थर्ड जो टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल बट आपको थोड़ा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, लिसन टू मी केयरफुली। ओके वॉट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, दो कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, दो कंपाउंड्स होते हैं। अभी ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर कंपाउंड एक वीकर कंपाउंड को डिस्प्लेस करता है। ओके एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट एक वीकर एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन। ओके यहां पर देख रहे आपको हमारे पास ए बी एक कंपाउंड है एंड सी एक एलिमेंट है। ओके अभी क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन ये जो सी है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है। लास्ट टाइम अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था तो उसमें कुछ एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ एलिमेंट बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बराबर? तो लेट से ये सी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है ए से, तो इसके वजह से ये सी क्या करेगा, ए का जगह ले लेगा एंड ए क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, समझा? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन लिखो उसके बाद हम एग्जाम्पल समझेंगे। ओके आपको समझ जाएगा, डोंट वरी, अगर अभी डेफिनेशन पढ़ के समझा नहीं तो हम जब एग्जाम्पल लेंगे तभी आपको समझ जाए। ओके सो राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डेफिनेशन। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन, इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके एक बार रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना डेफिनेशन। डन, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन अगर आपका हो गया तो, रीड करके या फिर लिख के हो गया तो मुझे चैट सेक्शन में बताओ सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। Okay, let's move forward. Example लेते हैं। Okay, again. We'll get back to the laboratory to understand the example. Am I audible clearly? ओके ओके देख रहा आप लोगों को स्क्रीन? ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से सुनना क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विद आयन। ओके कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विद आयन। चलो फटाफट दोनों का मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, कॉपर सल्फेट का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? CuSO4, बराबर रंजीत। ओके तो मैं यहां पर CuSO4 लेता हूं। ओके अब ये जो CuSO4 होता है, जब आप इसमें लिक्विड पानी मिलाओगे, ओके जब आप CuSO4 में पानी मिलाओगे तो वो ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाता है। कौन सा कलर का सोल्यूशन? ब्लू कलर का सोल्यूशन। तो यहां पर मैं वाटर मिलाता हूँ, H2O मिक्स करता हूं। ओके यू विल सी स्लोली इट इज टर्निंग इनटू अ ब्लू कलर सोल्यूशन। कैन यू ऑब्जर्व, दिख रहा है आप लोग को? मुझे तो मोबाइल में दिख रहा है, कैन यू सी इट एज वेल, लेट मी नो। ओके सो इट टर्न्स इनटू अ ब्लू कलर सोल्यूशन व्हेन CuSO4 इज मिक्स्ड विद वाटर। ओके अभी ये CuSO4 एक कंपाउंड है, बराबर? इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, आयन मिलाने वाले। क्या मिलाने वाले हैं? आयन।
ओके अभी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है, रिएक्टिविटी सीरीज ओके, वो रिएक्टिविटी सीरीज में मुझे बताओ आयन ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में आप मुझे बताओ विच इज मोर रिएक्टिव, आयन इज मोर रिएक्टिव और कॉपर इज मोर रिएक्टिव। मैंने लास्ट टाइम लिखाया था तुम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज, यस तनय राइट, तनय इज राइट, अदर्स पूजा इज राइट, नो अभिषेक ओके। आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, अगर आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज याद रहेगा मैं वापस से दिखा दूंगा आपको थोड़े टाइम ओके। तो यहां पर मैं आयन डालने वाला हूं ओके। The second thing that I'm going to put is iron. Iron क्या होता है? Fe होता है. Okay, so I'm going to put iron. Color ध्यान देना. Okay, blue color में है अभी solution. Okay, जैसे ही मैं इसमें iron डालता हूँ. Okay, जैसे ही मैं इसमें iron डालता हूँ. Okay, observe the color. अभी कौन से color में आपको दिख रहा है solution? पहले blue color में था. Now it has turned into which color? Everyone. Not grey solution, पानी को पानी पे ध्यान दो, not the internal matter. Greenish color दिख रहा है आपको, can you see a greenish tint? Okay, पहले blue color में था, अभी जो solution बन गया है वो है green color में हो गया है. I can see it clearly, it is green here. Okay, I don't know how you all can see it. Okay, तो यहाँ पर आपको green color में solution दिखेगा. अच्छा, अभी color change हो गया, इसका मतलब कुछ तो chemical reaction हुआ है. अब वो chemical reaction क्या हुआ है आपको screen पे दिख रहा है. Okay, तो मेरे पास CuSO4 था पहले, उसमें मैंने आयन मिलाया, अभी आयन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसके वजह से कॉपर वो जो सोल्यूशन था CuSO4 का सोल्यूशन था उसमें कॉपर को बाहर निकाल के Fe ने उसका जगह ले लिया. कैन यू सी नाउ इट इज FeSO4 सोल्यूशन एंड कॉपर जो है वो नीचे सेटल हो गया है, कॉपर जो है वो नीचे सेटल हो गया है. दिस इज वॉट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट ओके एक वीकर एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, उसका जगह ले लेता है. समझा? तो यहां पर स्ट्रॉन्गर रिएक्टिव एलिमेंट कौन था, Fe था. वीकर एलिमेंट कौन था, Cu था. ओके, तो Fe ने Cu का जगह ले लिया, तो इट बिकम्स FeSO4 प्लस Cu जो है वो अलग हो जाएगा, इट विल सेटल डाउन अंडर द बीकर, बीकर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा. क्लियर एनीवन, एनी डाउट्स इन दिस एक्सपेरिमेंट? जो कोई डाउट है इसमें? नो डाउट्स? ओके, चलो अभी मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं. ओके, तो यहां पर अगेन आई टेक अ CuSO4 सॉल्यूशन. ओके, CuSO4 सॉल्यूशन. ओके, अभी ये सेकंड रिएक्शन है, अभी आप लोग मुझे बताओ क्या होगा, व्हाट विल आई गेट इन द प्रोडक्ट? ओके, अभी इसमें मैं जिंक मिलाने वाला हूं. क्या मिलाने वाला हूं? जिंक. अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैं एक बार दिखा देता हूं बिफोर दिस, आई विल शो यू ऑल द रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, रिएक्टिविटी सीरीज देख रहा आप लोग को? ओके, यहां पर देख लो. सो आई हैव कॉपर सल्फेट एंड जिंक. ओके, तो देख के रख लो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है. डू नॉट लेट मी नो. ओके, बताओ मत मुझे. ओके, मुझे बताओ मत, आप लोग देख के रख लो कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर या जिंक. ओके, फिर मुझे बताना प्रोडक्ट में क्या आएगा. देख लिया सब लोग ने? शुड आई मूव फॉरवर्ड फॉरवर्ड टू द एक्सपेरिमेंट? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. देख लिया सब लोग ने? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, कुछ लोगों ने मुझे ऑलरेडी आंसर दे भी दिया है. ओके, तो यहां पर हमारे पास कॉपर सल्फेट है, इसमें मैं क्या मिलाने वाला हूं? जिंक मिलाने वाला हूं. आई एम गोइंग टू मिक्स. मुझे बताओ प्रोडक्ट में क्या आएगा, मुझे प्रोडक्ट में मुझे क्या आएगा. यस यस, अ लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग मी द राइट आंसर. ओके, तो उसमें मैंने क्या कर दिया,
CuSO4 में Zn मिला दिया. Now as you all can see in the table, okay, जो reactivity series था कि zinc जो है, okay, zinc जो है वो ज्यादा reactive है copper से, okay, ज्यादा reactive है copper से. इसके वजह से zinc क्या कर लेगा, copper का जगह ले लेगा. And धीरे धीरे आप देखोगे सोल्यूशन कलरलेस हो गया. ब्लू से अभी देख सकते हो कौन से कलर में, ट्रांसपेरेंट हो गया एकदम. कैन यू ऑल सी इट, आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन. ओके, पहले ब्लू कलर में था, धीरे धीरे अभी ट्रांसपेरेंट हो गया सोल्यूशन. मतलब यहां पर भी कलर चेंज हो गया. कलर चेंज कैसा हुआ, क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था ना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू होता है. बट अभी तो जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं होता है. क्लियर एवरीवन, जिंक सल्फेट इज कलरलेस. इसके वजह से आप देख सकते हो जिंक सल्फेट देखो कैसा कलरलेस हो गया है. ओके, एंड कॉपर जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है बीकर में, नीचे व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, दैट इज कॉपर. अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्लेसेस द वीकर एलिमेंट. कोई डाउट नहीं है, शुड आई मूव फॉरवर्ड. ओके, चलो एक और वन लास्ट एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूं, देन वील मूव फॉरवर्ड. ओके, ऑन द बोर्ड एवरीवन, और रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको सामने रखता हूं, सो दैट यू कैन सॉल्व इट इजीली. Cu प्लस AgNO3 क्या होगा मेरा प्रोडक्ट, बताओ मुझे. Cu प्लस AgNO3 व्हाट विल बी माय प्रोडक्ट. यस, ओके 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 ओके, ठीक है. मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन मी अ राइट आंसर. आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखा होगा, सीयू जो है वो एजी से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है. तो ये सीयू क्या करेगा, एजी का जगह ले लेगा. सो इट बिकम्स एजी, एजी अलग हो जाएगा, प्लस CuNO3. ओके, यहां पर CU का वैलेंसी 2 लिया गया. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, एनी डाउट स्टिल हियर. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ू. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, आप लोग ने एग्जांपल्स लिख लिया है, हैव यू ऑल रिटन डाउन द एग्जांपल्स. ओके, इफ यू वांट यू ऑल कैन राइट दिस एग्जांपल डाउन. ओके, और वो कॉपर और जिंक का भी एग्जांपल लिख लो. ओके, दिस वन, ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, सॉरी पीपीटी पे दिख रहा है. ओके, राइट दिस एग्जांपल डाउन. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ना, ये रिएक्शन आपको एग्जांपल में एग्जाम में दे देंगे. And they will ask you to identify its type. ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन सा type of reaction है. It is displacement reaction. बहुत frequently पूछा जाता है ये. CuSO4 plus Zn. Done everyone? Shall we proceed? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आया. ओके, ठीक है, चलो यहां पर डिस्प्लेसमेंट समझ गया सबको. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now let us understand. Okay, ये जो रिएक्शन मैंने आपको अभी कराया वही रिएक्शन पीपीटी पे भी है, you can see. Okay, पहले सोल्यूशन जो था इट वॉज ब्लू इन कलर, जैसे ही उसमें आयन डाला आफ्टर सम टाइम यू कैन सी इट चेंजेस इनटू फेरस सल्फेट, दैट इज ग्रीन इन कलर. ग्रीन कलर दिखेगा आपको. ओके, प्लस कॉपर.
Now, next type of reaction. This is known as double displacement reaction. Double displacement reaction. Now, जैसा इसका नाम है वैसे ही ये reaction भी है. Okay? यहां पर displacement होगा but यहां पर double displacement होगा. Double displacement का मतलब क्या है? मैं ध्यान से बता रहा हूँ, आप लोग समझो. Okay? Now, let us forget the definition. Let us straight away get back to the example. Okay? Example समझेंगे उसके बाद हम definition में आएंगे. Okay? क्योंकि आपको ज्यादा better समझ में आएगा. Okay, let's take this example. Okay, या फिर आप लोग बोर्ड पे आ जाओ. इससे सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं. ऑन द बोर्ड एवरीवन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखना है हमें. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. Okay, this is silver nitrate plus. Okay, AgNO3 NaCl के साथ react कर रहा है. That is salt. Okay, हमें product में क्या आएगा? This is a double displacement reaction. अभी double displacement क्या होता है मैं आपको समझा. Okay, आप लोगों ने last time did you all remember the table, valency table? याद है सब लोगों को? ओके okay. उसमें आप लोग ने देखा होगा कुछ एलिमेंट्स के ऊपर प्लस था, कुछ कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स के ऊपर माइनस था. डू यू ऑल रिमेम्बर दैट? ओके, तो मैंने आपको बताया था जो भी चीजें मेटल्स होते हैं उसके ऊपर प्लस होता है, जो भी चीजें नॉन मेटल्स होते हैं उसके ऊपर माइनस होता है. ओके यस ओके, तो यहां पर सिल्वर जो है वो क्या है? मेटल है. सो दिस इज प्लस. एनओ थ्री इज अ नॉन मेटल, उसके ऊपर माइनस आएगा. NaCl Na जो है वो क्या है? मेटल है. सोडियम इज अ मेटल एंड Cl क्लोरीन इट इज अ नॉन मेटल, तो उसके ऊपर माइनस आएगा. ये अपन ने जस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया था, मेटल्स नॉन मेटल्स. ओके, तो आई होप आप लोगों को याद रहेगा. क्लियर? तो यहां पर देखो प्लस माइनस आपको दिख रहा है. अभी ध्यान से सुनना, डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है? आफ्टर रिएक्शन, मैं यहां पर लिख रहा हूं आंसर. ओके, आफ्टर रिएक्शन. ओके, ये जो माइनस वाले चीजें दिख रहे हैं आपको, कैन यू सी दिस माइनस वन? दे विल इंटरचेंज देयर पोजीशन. मतलब Ag प्लस, यहां पर अभी Cl आ जाएगा, प्लस NaNO3. अंडरस्टूड क्या हुआ यहां पर? ओके, यहां पर दो चीजें एक दूसरे के साथ अपना जगह चेंज कर रहे हैं. वहां पर क्या हो रहा था? एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था, बट यहां पर ऐसा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कुछ नहीं. यहां पर क्या हो रहा है? नेगेटिव्स, जो भी नेगेटिव्स है वो एक दूसरे का जगह चेंज कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो ये Cl NO3 का जगह ले लेगा एंड NO3 क्या करेगा? Cl का जगह ले लेगा. क्लियर? नो डाउट्स? क्लियर? ओके, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप लोग मुझे बताओ आंसर में क्या आएगा. ओके, यू ऑल लेट मी नो व्हाट विल बी द आंसर. Okay, the next example is BaCl2 plus CuSO4. बताओ आंसर में मुझे क्या आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट है. ओके, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कैसे मुझे बताओ? सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, प्लस माइनस, बराबर. रंजीत ने राइट आंसर दिया है, बहुत सिंपल है. ओके, ओके, ठीक है. लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन मी द राइट आंसर. मैं लिखता हूं यहां पर आंसर. बी ए, ये SO4 Cl का जगह ले लेगा, सो दिस बिकम्स BaSO4 प्लस, ये Cl क्या करेगा? SO4 का जगह ले लेगा. सो दिस बिकम्स CuCl2, दैट इज कॉपर क्लोराइड. क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यहां पर क्या हो रहा है? टू आयंस. अच्छा, आयंस, ये वर्ड सुना आप लोग ने? IONS, इयॉन्स. कोई लोग इयॉन्स बोलते हैं, कोई लोग आयंस बोलते हैं. ओके, अभी ये इयॉन्स होते क्या है? जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर, जब भी किसी मेटल या नॉन मेटल के ऊपर प्लस और माइनस आ जाता है,
ओके, जैसे ये सिल्वर के ऊपर प्लस आ गया, इसका मतलब ये सिल्वर आयन हो गया. क्या हो गया? सिल्वर आयन, NO3 नाइट्रेट आयन हो गया, ठीक है, सोडियम आयन हो गया, ठीक है. तो जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ जाता है वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन्स जो है एक दूसरे का प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पर नाइट्रेट का आयन और क्लोरीन का आयन दोनों एक दूसरे के साथ प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं. क्लियर एवरीवन? तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप डबल डिस्प्लेसमेंट का ऑन योर स्क्रीन? तो ये है डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच द आयन्स इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज. ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आयन्स एक दूसरे के साथ अपना जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट. ठीक है, अभी ये रिएक्शन होने के बाद आपको बीकर में, ओके, इन द बीकर जब रिएक्शन होता है, आपको बीकर में आफ्टर द रिएक्शन हैपेंस डबल डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, ओके, नीचे व्हाइट कलर में कोई ना कोई चीज सेटल हुआ हुआ दिखेगा. व्हाइट या फिर कोई भी कलर में, येलो कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई चीज बीकर में नीचे सेटल हुआ हुआ दिखेगा. कोई भी चीज जब बीकर में नीचे सेटल होता है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है. तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद आपको कोई ना कोई प्रेसिपिटेट तो मिलेगा ही. समझा? इट इज वन ऑफ द हिंट्स टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर? नो डाउट स्टिल हियर? ओके, फटाफट डेफिनेशन लिख लो और एग्जाम्पल लिख लो. बोर्ड पे एग्जाम्पल है, राइट डाउन द एग्जाम्पल, देन वी विल डू अ स्मॉल क्विज. आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये. ओके, बी क्विक. Done. Okay, ये example लिखो double displacement का, दोनों double displacement का example. Okay, एक और example मैं PPT में दिखा देता हूं. यहां पर हमारे पास potassium chromate है plus BaSO4 barium sulfate. ओके, तो अभी मुझे बताओ मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा. प्रोडक्ट में मुझे K2SO4 मिलना चाहिए प्लस BaCrO4 मिलना चाहिए, बराबर. ओके, यहां पर क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया. ओके, अभी देखो ये जो येलो कलर का चीज दिख रहा है नीचे फ्लास्क में नीचे सेटल हो रहा है, बीकर में नीचे सेटल हो रहा है. This is known as precipitate, ठीक है? जब भी double displacement reaction होता है, अभी यहाँ पर yellow color है, but अलग अलग reactions में अलग अलग colors होते हैं, okay? तो कोई जब भी reaction होता है double displacement, तभी क्या होगा? नीचे आपको precipitate मिलेगा ही, कोई ना कोई चीज नीचे सेटल होगा ही, किसमें? बीकर में. क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? अनदर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट. ओके, चलो यही पर हमारा चार रिएक्शन हो गए हैं. अभी बोर्ड पे आ जाओ सब लोग. ओके, अभी मैं आपको कुछ रिएक्शंस दूंगा, आप लोग मुझे बताओ ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है. ओके, ओके, यू ऑल हैव टू लेट मी नो व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस. रेडी एवरीवन? स्टार्ट करूं? बताओ कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है. In the chat section, everyone, yes, 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 perfect, right. Okay, ठीक है, तो सबको समझ गया. No, no, miss by your answer is wrong. Okay, the right answer is combination reaction. ये side, ये A है, ये B है. तो दो चीज ये side, reactant side में है, but
प्रोडक्ट साइड में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिला है, क्लियर? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, लेट मी फाइंड द मार्कर. CuSO4 प्लस H2S, CuS प्लस H2SO4, बताओ कौन सा रिएक्शन है ये? ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करो, फिर आंसर करो. कोई गाय नहीं है, कोई जल्दी नहीं है. ओके, रंजीत, तारा, आलोक कुमार, यू गाइज आर गिवन मी द राइट आंसर. कुसुम का आंसर राइट है. तनिष्का नो, अमन नो. ओके, ध्यान से देखो, मैंने बोला था. ओके, यहां पर देखो, CuSO4. ओके, Cu इज अ मेटल प्लस SO4 इज अ नॉन मेटल माइनस H2. क्या H2? What is H2? हाँ, प्लस माइनस. ओके, तो यहां पर देखो, Cu S के साथ, H2 SO4 के साथ. Can you see? So what type of reaction is this? यहां पर दो चीजें एक दूसरे के साथ react कर रहे. So what type of reaction is this? It is the डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल. Zn प्लस HCl गिव्स मी ZnCl2 प्लस H2. बताओ कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? दिस इज Zn, है ना? Zn. ओके, रंजीत ने राइट आंसर दिया है. आलोक कुमार राइट, तनिष्का राइट, तनय राइट, पूजा राइट. ओके, ये सिंपल था. ओके, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहां पर क्या हो रहा है? जिंक जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है. ओके, जिंक क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन का जगह ले रहा है. सो इट बिकम्स ZnCl2. अब ये 2 कैसे है आप सबको पता है ना, हाउ दिस 2 केम? क्योंकि Zn का वैलेंसी क्या है? 2 है. ओके, तो ZnCl2 ओके प्लस H2, हाइड्रोजन अलग हो गया. हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, याद रखना, ठीक है? हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, जैसा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमेशा O2 के फॉर्म में होता है. नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी हमेशा N2 के फॉर्म में होता है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई यहां पर H2 है. क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देन वील वाइंड अप. मैं यहां पर लिखता हूं FE, जस्ट अ मिनट, आई विल टेक अ मार्कर. FeOH2 Fe2O3 प्लस 3H2O, कौन सा रिएक्शन है बताओ? ओके, ओके, आलोक कुमार, तनय दास, पूजा, तनय, अमन, रंजीत, मिसबा, तनिष्का, ओके, अभिषेक, एवरीवन इज राइट. ओके, तो तारा, ओके, दिस इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे पता चला? सबसे पहला हिंट क्या था? यहां पर एक सिंगल कंपाउंड है, बट यहां पर दो अलग प्रोडक्ट्स है, ठीक है? ये सबसे पहला हिंट था. दूसरा हिंट क्या था? यहाँ पर एरो के ऊपर आपको हीट दिख रहा है, ठीक है? तो डीकम्पोजिशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
हीट होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए या फिर लाइट होना चाहिए, ठीक है, ये तीन चीजों में से कोई एक चीज होना चाहिए. सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन. एक और चीज, ओके, जब भी डीकम्पोजिशन हीट के वजह से होता है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, फिलिप्स के लिए आता है, ओके, जब भी डीकम्पोजिशन हीट के वजह से होता है, इट विल बी नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन. क्या बोलेंगे उसको? थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे. तो यहां पर कौन सा डीकम्पोजिशन हो रहा है? थर्मल डीकम्पोजिशन. अंडरस्टूड? थर्मल डीकम्पोजिशन. क्लियर? ओके, जब भी हीट के वजह से डीकम्पोजिशन होता है, इट विल बी नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन. जब भी इलेक्ट्रिसिटी के वजह से डीकम्पोजिशन होता है, व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी के वजह से डीकम्पोजिशन होता है, इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस. क्लियर? ओके, ये सिर्फ छोटा सा चीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है. तो हीट के वजह से होता है तो इट विल बी नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रिसिटी के वजह से होता है तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का कोई सिंबल नहीं है अमन, आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी लिखना पड़ेगा एरो के ऊपर. क्लियर? हीट के लिए सिर्फ ट्रायंगल का सिंबल यूज किया जाता है. ओके, सो सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे. ओके, वी विल एंड आवर लेक्चर हियर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड एवरीथिंग. सब समझ में आया आपको? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. कोई डाउट नहीं तो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम ऑन नेक्स्ट ट्यूजडे. ओके, थैंक यू, बाय. अपर पार्ट ऑफ द बोर्ड में सिर्फ मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा है. ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस, बराबर. बाय 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 मुनिका, बाय मिसबा, बाय तारा. बाय स्नेहा.